हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन क्रिएट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल और केवल तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो चलिए अभी एक एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है किस चीज़ से रिलेटेड, अगेन टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक खबर हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एग्जैक्टली खबर क्या है, क्या सच है कि झूठ है, सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आएगी। तो टाटा ग्रुप के तो बहुत सारे कंपनीज देखने को मिल जाते हैं, तो एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी बाजार में भी है, वोल्टास। ये दोस्तों वोल्टास लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, खास करके जो कंपनी है वो एयर कंडीशनर से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड जानी जाती है। वैसे तो और भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। एंड आज के दिन अगर आपने वोल्टास का शेयर यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, तो सडनली हम लोग को सेकेंड हाफ में एकदम अचानक से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गए वोल्टास के शेयर में। तो उसके पीछे एक रीज़न है। तो रीज़न क्या है, तो एक खबर बाजार में आ गई। अभी खबर है तो क्या ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल, तो अनऑफिशियल हम लोग को खबर बाजार में देखने को मिली, जिसको हम लोग रिपोर्ट के जरिए खबर बोलते हैं। तो रिपोर्ट के जरिए खबर क्या आ गई कि टाटा ग्रुप यहाँ पे अपना जो वोल्टास का जो बिजनेस है, वोल्टास होम अप्लायंस बिजनेस, वो यहाँ पे वो बेचने का प्लान कर रहे हैं। मतलब बेचने से रिलेटेड कोई खरीदार यहाँ पे ढूंढ रहे करके। सो एक लाइन में अगर मैं बात बोल दूँ तो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि वोल्टास को वो बेचने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वो बायर ढूंढ रहे हैं, उससे रिलेटेड बातचीत चल रही है, ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आई, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मार्केट ऐसे बहुत सारे खबरें यहाँ पे आती रहती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो वोल्टास का हम लोगों को बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यूरोप की बात करें, ठीक है, तो यूरोप में अगर हम कहें तो उनका कुछ टाइप्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है। किसके साथ, तो ब्रांड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आर्सविक की अगर हम बात करें, इनके साथ इनका टाइप देखने को मिल जाता है। किसका, वोल्टास का। यूरोप कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे। सो एंड इसके से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ब्रांड कौन सा है, वो तो ब्रांड है वोल्टास बेको करके। सो ये हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक और खबर भी यहाँ पे बताई गई ड्यूरिंग द मार्केट रिपोर्ट के जरिए कि जो ये जॉइंट वेंचर है वोल्टास का एंड आर्सलिक का, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो भी फ्यूचर इनका क्लियर नहीं है करके, ठीक है। तो ऐसी खबरें बाजार में हम लोग को देखने को मिली। एंड वोल्टास लिमिटेड को वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बेच सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न बताया गया ड्यू टू चैलेंजेस इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है तो बिजनेस प्रॉपरली स्केल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए शायद से टाटा ग्रुप अपने वोल्टास ब्रांड को यहाँ पे बेच सकते हैं, ऐसी खबर ड्यूरिंग द मार्केट। एंड इसी का नतीजा है स्टॉक में हम लोग को एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिली एंड ड्यूरिंग द मार्केट ये खबर चल रही थी। एंड जैसे ही बाजार क्लोज हो गया तो उसके बाद आपको पता ही है कि अगर कोई ऐसी खबर आ जाती है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर शेयर बाजार में है, लिस्टेड है, तो हम सब यहाँ पे जाके चेक करते रहते हैं किसमें, अनाउंसमेंट में। तो आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट में बाद में आज ही की तारीख है 7 नवंबर, क्लैरिफिकेशन सामने आ गया। तो क्लैरिफिकेशन किससे रिलेटेड, यही जो खबर बाजार में यहाँ पे चल रही है। एंड जैसे मैंने कहा बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये खबर हम लोग को देखने को मिली है कि टाटा ग्रुप की ओर से, वोल्टास की ओर से इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, PDF मैंने ओपन कर लिया है वोल्टास, आप देख सकते हो, तारीख भी आप यहाँ पे देख सकते हो, NSE BSE कोड भी यहाँ पे बताया जा चुका है। एंड क्लैरिफिकेशन की बात यहाँ पे की है। सो क्लैरिफिकेशन मतलब ये जो खबर अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है, वो पहले उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ दो तीन पॉइंट सामने रखे। पहला वाला पॉइंट आप देख सकते हो, क्या ये खबर सच है या फिर झूठ है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो ऊपर की खबर बताई जा रही है, टोटली इनकरेक्ट है। सो वोल्टास के ओर से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, टाटा ग्रुप के ओर से उन्होंने इस खबर को फॉल्स बोला है, यहाँ पे बताया कि ये खबर में कोई दम नहीं है एंड ये फेक खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, ऐसी कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं द मैनेजमेंट ऑफ वोल्टास लिमिटेड डिनाइज एनी ऑफ सच डेवलपमेंट, जो कि अभी मैंने आप लोगों के सामने रखे। तो ये बाजार क्लोज हो जाने के बाद वोल्टास की ओर से क्लैरिफिकेशन देखने को मिला है। सेकंड अगर हम लोग बात करें, एक और पॉइंट सामने रखा था कि इनका जो वोल्टास बेको करके भी हम लोग को प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, यूरोप का जो जॉइंट वेंचर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो उससे रिलेटेड क्या कोई फ्यूचर क्लियर नहीं करके ऐसा बोला गया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं, इनफैक्ट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एंड कोई हमारा ऐसा विचार नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि हम हमारे काम को ही इन्हीं के साथ कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं।
सो कोई यहाँ पे दिक्कत रहने वाली नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनफैक्ट उन्होंने भी कहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसको और भी स्ट्रेंथन बनाने का काम हम फर्दर यहाँ पे करने वाले हैं। सो ओवरऑल आखिरी पैरा में भी उन्होंने यही कंक्लूजन में बोला है कि जो एक खबर बाजार में बताई जा रही है, चलाई जा रही है, तो ये टोटली फेक है, इसके ऊपर भरोसा ना रखे करके। तो मार्केट में तो आपको पता ही है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती जाती यहाँ पे रहती है, इसलिए तो बोला जाता है बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ करके, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन तो फिलहाल सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। तो चलिए, जो ये खबर थी वो हम कह सकते हैं फेक थी, मतलब रिपोर्ट के जरिए ऐसे ही चीज़ें चलती रहती है। कल चाहो तो वोल्टास को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, तो देखिए बाजार में हम लोग को बहुत सारे लर्निंग लेसन्स मिलते रहते हैं डेली बेसिस के हिसाब से, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना दोस्तों जो हम खुद क्या कर लेते, बिल्ड कर लेते, बिलीव सिस्टम बिल्ड कर लेते, हाँ ये कंपनी इतनी बड़ी है ना, कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। तो दोस्तों शेयर बाजार है, कोई चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना, चाहे फिर वो कंपनी कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी। अगर मैं इंडेक्स की भी बात करूँ, अभी येस बैंक भी तो इंडेक्स में ही था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी तो इंडेक्स का ही पार्ट था, जी भी इंडेक्स का ही पार्ट थी, बट आज आप इन कंपनीज की हालत देख सकते हो। तो ऐसा एक लर्निंग लेसन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी वी वर्क, यस इससे रिलेटेड हाल ही में मैंने वीडियो भी यहाँ पे कवर किया था, कमर्शियल रियल इस्टेट में हमको इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस है। सो फाइनली आप देख सकते हो कि वो बैंक्रप्टसी की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसका वैल्यूएशन एक ज़माने में $47 बिलियन था, $1 बिलियन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़, चलो 8,000 भी कम है, अभी तो डॉलर और भी ऊपर जा चुका है, चलो फिर भी 8,000, तो अगर उस हिसाब से देखा गया तो 3.5 से 4 लाख करोड़ के आसपास इनका वैल्यूएशन बैठते हुए देखने को मिल रहा था। इतनी बड़ी कंपनी 2019 का ही वैल्यूएशन है, $47 बिलियन का वैल्यूएशन वाली कंपनी, आज हम लोगों को हालत देखिए उसकी क्या हो गई, पूरी तरीके से तबाह होते हुए देखने को आप मिल चुकी है। एंड इसमें अगर हम लोग ट्रेडिंग की भी बात करें शेयर्स में, वो भी हॉल्ट होते हुए देखने को मिल रहे, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग को बैंक्रप्टसी होते हुए देखने को आप मिल रहे, मतलब ये फाइल कर रहे हैं कि चलो भाई कंपनी को बंद करो करके। तो 5 दिन में 35% क्रैश, महीने भर में 60%, 6 महीने में 95%, अभी कुछ बचा ही नहीं है, आप और आगे क्या बोलूँ, और आज के दिन आप देख सकते हो ट्रेडिंग ही बंद कर दिए करके, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, सीखने का मतलब लर्निंग लेसन हम लोगों को क्या मिल जाता है, यस हम शेयर मार्केट में जब रहते ना तो किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। ये मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, सर 10 साल के लिए स्टॉक बताओ, 15 साल के लिए स्टॉक बताओ, 20 साल के लिए स्टॉक बताओ, 15-20 साल की कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। एंड अगर इतना लंबा खेलना है तो फिर आपको ब्लू चिप ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप के तो भाई कल के दिन की गारंटी नहीं होती है, 15-20 साल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा पता नहीं। तो हमें क्या काम करना होता है, यस हम लोगों ने निवेश करना होता है लंबी अवधि के हिसाब से, एंड उसको ओवरव्यू करना होता है कि हाँ कंपनी सही ट्रैक पे जा रही है कि नहीं, कोई इंटरनल इशू तो नहीं है कि नहीं। अगर लग रहा है कि भाई कंपनी अब आउट ऑफ ट्रैक जा रही है, ढंग से काम नहीं कर रही, फिर हमें कॉल लेना पड़ता है कि भाई निकलो। तो ये सबसे मेजर चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि आज पैसा लगा दिया और उसके बाद सो गए करके, नहीं। शेयर मार्केट में कुछ भी होता है, मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, बड़ा प्लेयर ने जिसने कंपनी बड़ी बनाई होती है उसमें हम लोगों को मतलब वो एग्जिट होते हुए देखने को मिल जाता है, फिर दूसरा मैनेजमेंट आता है, फिर वो कंपनी की वाट लगा देता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। सो ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन हम लोग को वी वर्क की ओर से देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, तो दोस्तों विजय केडिया सर कोई इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, बहुत कुछ लर्निंग लेसन भी हम लोगों को ये देते रहते हैं, और इनका एक बहुत पॉपुलर स्टॉक भी है अतुल ऑटो, ठीक है। पहले भी था, बाद में उन्होंने वापस री एंट्री कर ली, 100 करोड़ के कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू भी इन्होंने यहाँ पे निवेश किया था, एंड आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 6.5% के आसपास की दमदार तेज़ी, या फिर 5.5% की दमदार तेज़ी हम लोग को अतुल ऑटो में देखने को मिली है। और इसके पीछे का मेजर रीज़न है इसके आउटस्टैंडिंग कमाल के धमाल, जितना स्टार लगाना चाहते हो स्टार लगा सकते हो, इतने कमाल के नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अगर मैं आपको नंबर के अगर एक झलक दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर है, ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए हैं। तो सबसे पहले तो कितनी गाड़ियाँ यूनिट्स में बेची वो उन्होंने बताई है, 7,368 है, इसके पहले 3,000-6,000 गाड़ियाँ बेचा करते थे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अर्निंग की बात करें, सबसे पहले तो इनकम कितनी हुई, 15,300, पिछले क्वार्टर में लगभग 6,000 था, उसके पहले 12,000 था। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग खर्चे की बात करें वो भी बताया है, 14,000-7,000, ठीक है। तो इनकम से खर्चा हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, तो इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 981, पिछले क्वार्टर में तो 1200 का लॉस था, लॉस यस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस वक्त तो 981 प्लस है, और एक साल पहले केवल 9 था, ठीक है। तो 9 का 981, मतलब क्या कमाल का मैसिव जंप है, आप यहाँ पे सोच सकते हो। एंड उसी के साथ साथ फाइनल प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है, 713,
तो लास्ट टाइम कितना था? 950 का लॉस था और एक साल पहले भी 12 का लॉस था। तो एक लाइन में अगर मैं बोल दूं घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई, ये कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड यही सिनेरियो आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। पहले का ईपीएस कितना था? 0.01 माइनस में, पिछले क्वार्टर का 4.16 माइनस में, बट इस वक्त का ईपीएस कितना भी हो प्लस में यही काफ़ी है, बट कितना है? 2.73। तो एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस अतुल लिमिटेड में भी हम लोग को, अतुल ऑटो में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये भी आप चाहो तो फर्दर स्टडी इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट खबरें थी। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।